हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग एमसीक्यूज बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। दिस केस सिनेरियो इज बेस्ड ऑन रिस्क एनालिसिस ऑफ कैपिटल वेस्टिंग विद कॉपी ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। तो लेट अस सी दैट आर गिवन इन दिस सिनेरियो। सो वी आर गिवन एमएक्स लिमिटेड इज कॉन्फिगरिंग ए प्रोजेक्ट जेड विद एन इनिशियल आउटले ऑफ रुपीज 6 लाख विद लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट बींग 3 ईयर्स। The estimates of the project under different scenarios are as follows. 3 scenarios are given: worst case, most likely, and best case. So under each scenario, we are given sales in units, selling price per unit is given, variable cost per unit, fixed cost including depreciation rupees 2 lakhs of project is also given. Then corporate tax rate is 25% and cost of capital of the company 12% per annum, and the summation of present value factor at the rate of 12% for 3 years is 2.402. Then different MCQs are given. Number one is we have to determine NPV of the project in case of worst scenario. Then second, in case of most likely scenario. Number third, in case of best scenario. Then fourth MCQ is also given. तो स्टार्ट करके हैं वन बाई वन। फर्स्ट लेटर सी गैका होगा क्वेश्चन। सो वी आर गिवन गैका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट इज गिवन रुपीज 6 लाख। सो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज गिवन 3 ईयर्स। देन टैक्स रेट इज गिवन 25% एंड रिक्वायर्ड रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट इज गिवन 12%। देन 3 सिनेरियोस आर गिवन। So let us write data for each scenario. Number one is worst case. It is worst scenario, then it is most likely, and then it is best case scenario. So for each scenario, you are given sales in units. So sales aapko mention ki hai in units. Then selling price is given per unit. And variable cost per unit is given. Fixed costs are also given. इन रुपीज को डाटा आपका चल रहा है रुपीज में। सो लेट्स से सेल्स या यूनिट्स हैं आपके 5000, 6000 एंड 7000 फॉर ईच सिनेरियो। देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज गिवन 200, 450 एंड 300। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज आल्सो गिवन 100, 125 एंड 175। देन फिक्स कॉस्ट आर गिवन 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। तो इसमें आपकी डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है ऑफ रुपीज 2 लैक्स। तो फिक्स कॉस्ट 4, 5 एंड 6 मैंने जबर 17। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर वन एमसीक्यू। सो इन एमसीक्यू नंबर वन वी हैव टू डिटरमिन एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो। तो लेट अस सी व्हाट इज योर कैश इनफ्लो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्स्ट सिनेरियो। तो कैश इनफ्लो का देखिए आप सिंपल फार्मूला बना सकते हैं। क्वांटिटी आपको दी है, सेल्स के यूनिट्स हैं, सेल्स यूनिट्स उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जिस विच विल बी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करके हैं फिक्स कॉस्ट। देन इट विल मेक आफ्टर टैक्स इनको कर लीजिए आपको 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन विल बी एडेड बैक। जिस विल बी कैश इनफ्लो लेट अस राइट हियर सेल्स यूनिट्स हैं अब आपके 5000। कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका सेलिंग प्राइस किसी के गिवन 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 100 माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट इज गिवन 4 लाख। तो किसी का जो अबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसको बनाते हैं आफ्टर टैक्स 1 माइनस 25% दीजिए टैक्स रेट। देन प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन एड बैक रुपीज 2 लाख की डेप्रिसिएशन है विच इज इंक्लूडेड इन फिक्स कॉस्ट। तो लेट अस सी हाउ मच इज कैश इनफ्लो। जैसे 100 इनको 5 लाख माइनस 4, 1 लाख इनको 0.75 प्लस 2 लाख सो कैश इनफ्लो 275,000। लेट अस राइट हियर आल्सो कैश इनफ्लो इन रुपीज 275,000। नाउ दिस कैश इनफ्लो विल रिमेन सेम एवरी ईयर। सो विच विल बी एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इन केस ऑफ अवर वर्स्ट सिनेरियो। फॉर्मूला इज कैश इनफ्लो उसकी आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू। पीवी फैक्टर आपको मेंशन किया है 12% फॉर 3 ईयर्स जिसे गिवन 2.402 जिसे आपको कहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी एट द रेट ऑफ 12% जिसे गिवन माइनस कर लीजिए इन्वेस्टमेंट बिकेगी 6 लाख
This will be our NPV, 275,000 into 2.402 minus a 6 lakh. So answer is rupees 60,550. It is quite simple. So you can see which option is correct. Answer is option number B. Then we have a second MCQ. So in case we have to calculate NPV of the project in case of the most likely scenario. Let us see most likely scenario. First of all, cash inflow ka formula for same rahega. So let us see how much is cash inflow. Now in most likely scenario, sales units are 6,000 and selling price is 250. Variable cost is 125 minus fixed cost is given 5 lakh and this is made after tax. This is 1 minus 0.25 and depreciation is added back, which is same, rupee 2 lakhs. So now we can calculate how much is our contribution, 125 into 6,000. This is 750 minus 5 lakh. Balance is 250. Into 0.75 plus rupees 2 lakhs. So cash inflow is 387,500. Then you can determine how much is NPV of the project in case of a most likely scenario. So NPV will be present value of this cash inflow 387,500. Present value factor is 2.402 and initial investment will be 6 lakh. So this let us write cash inflow 387,500. So how much is NPV into 2.402 minus 6 lakh. So NPV is over rupees. So 330,771. And you can see which option is correct. Answer is option number A. So next we have a number third MCQ. So in this case we have to determine the NPV of the project in case of best case scenario. So let us see best case scenario, formula of cash inflow is same. So what will be cash inflow? In best case sales units are 7,000, selling price is 300, variable cost 175, minus fixed cost is 6 lakh. So this will be made after tax. 1 minus 0.25 plus depreciation is added back. So let us see contribution is 125. So 7,000 into 125 minus 6 lakh. So this is 275,000 after tax minus 25% tax plus rupees 2 lakhs. So cash inflow is 406,250. So let us write cash inflow is 406,250. So now we can determine NPV. So this is present value of cash inflow. So cash inflow will remain same every year. So present value factor for NPV is 2.402 minus investment, rupees 6 lakh. So this is your NPV. So this one is coming 375. So 813. Again, you can see which option is correct. So in this case, answer is option number C. Next, we have a fourth MCQ. So in this case, they are asking determine NPV of the project. If a company achieves a worst scenario in first year, most likely scenario in second year, and best case scenario in third year. अब आपकी 3 साल की जैसे life है, 3 सालों में आपका जो scenario है, ये change हो रहा है. So again, we have to determine what will be NPV. So let us draw the table. So life of project is 3 years. So let us write years 1, 2 and 3. So then you can write which scenario is applicable. So let us write a scenario. So in first year, worst scenario is applicable. Then in second year, most likely scenario is applicable. And in third year, it is best scenario is applicable. So on the basis of that scenario, we will consider cash inflow of a project. So cash inflow we have already calculated. In case of worst scenario, this will be now 275,000. Then most likely scenario 387. This is 500. And 406 is 250. So now we can easily determine NPV of a project. So multiply by PV factor.
एट द रेट ऑफ 12%। सो लेट अस सी हाउ मच इज पी वी फैक्टर। नाउ वी विल कंसीडर पी वी फैक्टर सेपरेटली फॉर ईच ईयर। सो दिस इज 0.893, 0.797 एंड 0.712। सो मल्टीप्लाई बाय पी वी फैक्टर डी कैश इनफ्लो विल गेट यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। लेट अस सी दिस इज कमिंग 275,000 इनको 0.893, then 387,500 into 0.797, then 406,250 into 0.712. So this total value is 843,663. ये राउंड ऑफ कर गया हमने, माइनस कर दीजिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन जीरो टाइम पीरियड विच इज 6 लाख। सो इन दिस केस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 243,663 in rupees. So you can see which option correct answer is option number B. So in this lecture we discuss the case scenario based on risk analysis of capital investing with copy of scenario analysis. Further copies we will continue in next lecture. So video aapko achhi lagi hai subscribe kijiye, recommend kijiye, share kijiye. Thank you.